जी सर, ये जो जून बेटी है आज के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गुजरगुआड़ी में विंटर क्लासेस शुरू की गई, तो ये आपके आपको क्या लग रहा है, ये एक बोझ है या आप अपनी खुशी से ये क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, आप यहाँ पर विंटर कैंप में आए, आपने यहाँ विजिट किया। तो जहाँ तक आपका सवाल है, तो सर देखिए, ये हमारा पेशा है। ये जो सवाल जो आपने किया यहाँ पर बोझ होने का, जहाँ तक सवाल है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ये हमारा पेशा है, अक्सर हमें इस काम के लिए चुना गया है, गवर्नमेंट ने हमें इस काम के लिए अपॉइंट किया है कि आप स्कूलों में बच्चों को पढ़ाइए। हाँ, आज विंटर वेकेशन में एक थोड़ा सा, मतलब आपने जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा कि विंटर वेकेशन में छुट्टियाँ होती हैं, सभी उस्ताद इकराम जो है मतलब छुट्टियों पर रहते हैं, बच्चे भी छुट्टियाँ पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा, जो भी टीचर है, यहाँ पर 5 टीचर हैं हम प्रेजेंट मिलेंगे, इंटरेस्टेड है, वॉलेंटियरली इंटरेस्टेड है, अपने इंटरेस्ट से आए हैं। और यहाँ पर आपने बच्चों को भी देखा, जो तकरीबन 150 से ज़्यादा बच्चे आए हुए हैं, एनरोल हो चुके हैं 150 से ज़्यादा बच्चे, सभी लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ से, काफ़ी दिलचस्पी है इन लोगों को भी यहाँ पर, और हम भी खुशी खुशी यहाँ पर आ रहे हैं। जब आपका ऑर्डर हुआ, क्योंकि दिसंबर के महीने में आपको छुट्टियाँ हुई थी, तो जल्द ही आपका ऑर्डर हुआ विंटर क्लासेस के लिए, तो क्या सोच रही है सबसे पहले कि आप जो विंटर क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो? देखिए, हमारा एक इलाका जो आपकी इसकी टोपोग्राफी, इसका ज्योग्राफिकली शक्ल आप देखते हो कि ज्योग्राफिकली जो है एक काफ़ी हाई अल्टीट्यूड पे इलाका है, सर्दियों के मौसम में ज़्यादा सर्दी रहती है, और साथ में ये जो हमारे बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे आपको बीपीएल कैटेगरी या बीपीएल से भी नीचे कैटेगरी के आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये बच्चे उन पेरेंट्स के बच्चे हैं जो अक्सर मजदूर हुआ करते हैं, ये प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं भर पा सकते हैं, या अगर भर भी लें तो बड़ा काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए। इसलिए हमने सोचा कि ये जो समाज है, हमारा समाज है, इसका दर्द हमें लेना चाहिए, इस दर्द को सोच के, इस दर्द को लेकर हम यहाँ पर स्कूल में आए हैं। क्या जो बच्चे आपके पास आए हैं इनमें भी टैलेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं? देखिए, पहाड़ी इलाकों में आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो ये मिट्टी जो बहुत जरखेज़ मिट्टी है, यहाँ के बच्चे जो है कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, अगर इनको थोड़ी सी दिशा दी जाए, थोड़ी सी डायरेक्शन, थोड़ी सी गाइडलाइन की जाए, तो ये बहुत ही जरखेज़ मिट्टी है। बच्चे जो है टैलेंटेड है, इसके लिए कई मिसालें भी हमारे पास हैं कि मैथ्स के हवाले से, साइंस के हवाले से, एग्जीबिशन में हमारे इन बच्चों ने बहुत सारे स्टेट लेवल पर, प्रोविंस लेवल पर नंबर वन पर आए हुए हैं, तो काफ़ी टैलेंट है इन बच्चों में, इनको सिर्फ गाइड करने की ज़रूरत है। तो आप इन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने बच्चे यहाँ आपके इस विंटर क्लासेस के लिए भेजे हैं? देखिए, जिन पेरेंट्स ने यहाँ पे बच्चे भेजे हैं, काफ़ी उम्मीदों के साथ भेजे हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे, जहाँ तक यहाँ विंटर कैंप का सवाल है, कि हम पूरी कोशिश के साथ, पूरी मेहनत के साथ उनके उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ जो पेरेंट्स के मैसेज हमें ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे मिलते हैं, हमें ग्रुप्स क्रिएट किए हैं विंटर कैंप्स के, वो मैसेज उनके पढ़ के मुझे काफ़ी खुशी होती है। और पेरेंट्स लोगों ने जो है सीओ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है, वार्ती जेडीओ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है, कि जिन्होंने, जिनके आर्डर पे हम यहाँ अपॉइंट किए गए, तैनात किए गए हैं, और हम पूरी उम्मीद करेंगे हम पेरेंट्स की उन बातों पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश। सीओ साहब के लिए कुछ डिमांड करना चाहेंगे मजीद टीचर्स के लिए? देखिए, मेरा क्वेश्चन, मेरे पहले ही दिल में एक क्वेश्चन उमड़ आ रहा था कि मुझे इस बात का, इस किस्म का सवाल होना चाहिए था, क्योंकि देखो, यहाँ पर जो स्कूल है, मिडिल स्कूल गुजरगुआड़ी है, ऑलरेडी यहाँ पे एनरोल जो है 50-60 एनरोल है, उन बच्चों के लिए एकोमोडेशन है यहाँ पे, लेकिन अब ये जो एनरोलमेंट है आज विंटर ड्राइव का, विंटर कैंप का जो एनरोलमेंट है, वो 150 से ऊपर जा चुका है। अभी तो 4-5 दिन हुए इस सेंटर को प्रॉपरली फंक्शन करते हुए, तो 150 से ऊपर, जहाँ तक मुझे आइडिया लगता है, ये तकरीबन 250 क्रॉस कर सकता है, 250 से तजावुज कर सकता है ये एनरोलमेंट। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने ऑफिसरान से, जिन्होंने इतना कुछ इन लोगों के लिए, इन गरीब बच्चों के लिए इतना कुछ सोचा, इनके लिए इतना कुछ किया, तो वहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि हमारा सिटिंग अरेंजमेंट के लिए टाट वगैरह या कोई भी जिस किस्म की उनके पास गुंजाइश होगी हमारे ऑफिस में, तो वो अगर दिया जाए, वाइट बोर्ड है और इस किस्म का मटेरियल अगर हमें दिया जाए, तो काफ़ी शुक्रगुजार होंगे हम भी, और पेरेंट्स लोग भी काफ़ी खुशी का इजहार करेंगे इस बात पर।